जाते हैं, देखते हैं, आनंदित होते हैं। अनेकों एक साथ दर्जनों थिएटर्स में ये कला का प्रदर्शन होता है। उस पीरियड में जो हमारा एक वार्षिक पर्व होता है, मैंने अपने कश्मीर के कलाकारों को कहा, उन्हें आमंत्रित किया है कि आने वाले अगले जो मार्गशीर्ष का पर्व हमारा चेन्नई में होगा, उसमें मैं कश्मीरी कलाकारों को आमंत्रित करूंगा, वो हमारे गेस्ट होंगे। और जिस तरह से हमारे तमिलनाडु के लोगों ने इनका स्वागत किया, जिस तरह से उन्होंने हृदय खोल करके इनको सराहा, ये तमिलनाडु की जनता की विशेषता है, वहां के लोगों की विशेषता है कि वो भारत के किसी भी संस्कृति को, किसी भी कला को बड़े दिल से स्वीकारते हैं। और कश्मीर तो कश्मीर है, तो मैं इंतजार करूंगा आज से लगभग 5-5.5 महीने बाद आप यहाँ के कलाकारों का चेन्नई में स्वागत करने के लिए। ये जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, मतलब बीच में बंद हो गया था, तो चीजें सुधरेगी। कश्मीर का तो एक अपना स्थान है, भारत माता का चरण है, वो हिंद महासागर पखाड़ता है, धोते रहता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और कश्मीर भारत माता का मणि मुकुट है, ये पूरा देश बोलता है, नहीं विश्व बोलता है। कश्मीर का एक अपना अलग स्थान है, कश्मीर का तो स्थान दूसरा कोई ले नहीं सकता। क्या सुंदर रमणीक स्थान है ये, आज ये कार्यक्रम का एक छोटी सी झलक देखो। मैं सेक्रेटरी साहब खासकर इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी टीम को, वंडरफुल प्लेस, आनंद आ गया यहाँ पर कार्य रखते, आनंद की अनुभूति हो रही है। कलाकारों के लिए इससे बढ़िया सुंदर जगह क्या हो सकती, कला की साधना के लिए इससे बढ़िया सुंदर क्या जगह। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जम्मू कश्मीर के कल्चर और संस्कृति के लिए। जब हम देखे जाते हैं तो इस फेस्टिवल में मुझे लगता है कोई फोक आर्टिस्ट ऐसा नहीं होगा जिसको काम नहीं मिला होगा, खासकर बांड थिएटर हो, दम्बाली वाले हो, रोफ डांस के ग्रुप हो या छकरी के ग्रुप हो, कम से कम मुझे लग रहा है 4-5 हज़ार कलाकारों ने इसमें परफॉर्म किया। मुझे लगता है भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और नारजुन कल्चर सेंटर पटियाला की कोशिश यही है जम्मू कश्मीर की कला और संस्कृति को, और सबसे बड़ा जो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रुपों को मौका दिया गया और हमारे फोक कल्चर को प्रमोट करने का मौका दिया गया।
मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम हमें आने वाले समय में करने चाहिए और हमें अपनी कला और संस्कृति को दुनिया तक लेके जाना चाहिए और ये हमारा आर्ट और संस्कृति कल्चर है। चिता विश्वकर्मा, कश्मीर की इस वादी में आज आप अपना परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा लगा इस विविधता में? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आज कश्मीर आई हूँ और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि जो सुंदरता के बारे में हमने सुना है सचमुच में इतनी खूबसूरत जगह है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ आप सभी लोगों के लिए गा पा रही हूँ, आप सबके पसंदीदा नगमे आपको सुना पा रही हूँ। जी, अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है, वो भी कश्मीर जैसी जगह में जहाँ पर हमने केवल एक ख्वाब ही कभी देखा था कि कभी आएंगे अगर कभी मतलब ऊपर वाले ने चाह लिया तो, और वो इतनी जल्दी पूरा होगा बिल्कुल नहीं सोचा था। तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी पूरे कंसेप्ट को जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया। कश्मीर में फिल्में फिल्माया जाती थी, जी, वही आज सुनहरा दौर जो कश्मीर में शूटिंग हुआ करता था, जो आपने गाने गाए। जी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें ना बिल्कुल पूरी वाइब और पूरी फील आ रही है क्योंकि जो पिक्चराइजेशन हमने देखा उस चीज़ को हम गा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कश्मीर, बहुत बहुत थैंक यू आपके प्यार के लिए। कश्मीर जो है खूबसूरत है, साथ साथ में यहाँ का आर्ट एंड कला भी खूबसूरत है। तो वितस्ता फेस्टिवल तीन रोजा था, कितना अच्छा था ये एक आर्टिस्ट के लिए एक आर्ट को प्रमोट करने। बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कश्मीर तो खूबसूरत है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है कि कश्मीर की खूबसूरती क्या है और यहाँ के सब बच्चों में टैलेंट तो भरा ही हुआ है सबके। और मैं चाहती हूँ कि हमारे इस कश्मीर की खूबसूरती को आगे बढ़ाने के लिए, कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए ये इवेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे कश्मीरी डांस है, पंजाबी डांस होते हैं, डोगरी डांस होते हैं, बांडपत्र होता है, कश्मीरी डांस होता है और कश्मीरी सिंगर्स भी होते हैं यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि ये फेस्टिवल हमारे हर साल यहाँ पे हो ताकि हम और यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाएं। हाँ, काफ़ी टाइम के बाद तो इतना फेस्टिवल बड़ा हो गया यहाँ पे, हमें बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ कि आगे भी इससे हमारे बड़े इवेंट हो जाए। हाँ हाँ, बाहर से बहुत मेहमान आया था, हमें बहुत खुशी हुई, उनकी वजह से भी बहुत यहाँ पे ये मिला सपोर्ट हमें, हम बहुत खुश हैं, उनकी वजह से भी हमारी यहाँ खूबसूरती ज्यादा महक गई यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि और इससे ज्यादा हो जाए यहाँ पे। यहाँ के आर्टिस्ट और बाहर के आर्टिस्ट जब मिले, हाँ, कल्चर जाना, बाहर के जो सिंगर है और यहाँ के जो है वो जब आपस में मिले, सारे कलाकार मिले, तो सबको एक दूसरे की पहचान तो हो ही गई यहाँ पे, सबको एक दूसरे का कल्चर पता ही चला यहाँ पे। लेकिन हमारे कश्मीर का जो कल्चर है वो थोड़ा अलग है हमारे कश्मीर का, तो मैं चाहती हूँ हमारे इस कश्मीर की खूबसूरती को और आगे बढ़ाए।